बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी बोधगया में हुए धमाकों की निंदा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने केंद्र और नीतीश सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने इन धमाकों को सुरक्षा व्यवस्था में चूक माना है। आए दिन कहीं पर बम ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बार बार सरकार जब इस प्रकार के वारदात होते हैं तो यही देश को आश्वासन देती है कि हम आतंकवाद से, माओवाद से, फर्म कन्विक्शन के साथ हम निपटेंगे। लेकिन मैं महसूस करता हूं कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान की कमी तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर और फर्म कन्विक्शन जो किसी गवर्नमेंट के पास चाहिए ऐसे चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, वह कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट के पास नहीं है।